स्पीड 60 तक जाती है, कई किलोमीटर चलता है। लोडिंग पर 120 किलोमीटर, लोडिंग पर 120 किलोमीटर चलती है। तो सपोर्ट जो है बहुत ही हल्का है, इसको महिंद्रा को बैजिंग दिया गया है, सीट बनवा रखा है। अभी ये भी पूछेंगे कि कितने की सीट बनी है। पूछते हैं भैया, आप ये बताइए ये गाड़ी कितना किलोमीटर चल जाती है? चार्जिंग में 110 किलोमीटर, एक बार चार्ज करने में 110। कंपनी तो 150 किलोमीटर का क्लेम बता रही है। कंपनी का बेचक है, कस्टमर का फंसावे है, तो बताइए। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आप गाड़ी लिए हुए कितना दिन हो गया आपको? तीन महीना में कोई दिक्कत आई गाड़ी में? दिक्कत कोई नहीं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हमारे पीछे देख रहे हैं महिंद्रा की ट्रियो प्लस, जो महिंद्रा दावा करती है कि 150 किलोमीटर चलेगी। और मैं आपको ओनर फीडबैक कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं भाई से पूछूंगा कि गाड़ी का कितना चल रही है, 150 किलोमीटर चल रही है। कंपनी दावा करती है कि 150 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, लेकिन तो मैं भाई से वीडियो में लाइव पूछूंगा कि कितना किलोमीटर चल रही है और गाड़ी कैसी चल रही है, गाड़ी में कोई कमी आई है नहीं आई है, कितना दिन हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। और आपको गाड़ी लेना है या नहीं लेना है, आप ये वीडियो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने का प्रोफाइल कुछ पास देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में ट्रियो प्लस की बैजिंग दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा ट्रियो नहीं है, ये महिंद्रा ट्रियो प्लस है। और यहाँ पे नंबर प्लेट लगा हुआ देखने के लिए मिल जाता है आपको। यहाँ पे इंडिकेटर और यहाँ पे हेडलाइट देखने के लिए मिल जाता है, दो हेडलाइट दोस्तों। और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो और यहाँ पे, और इसकी जो बॉडी है आपको मिल जाती है फाइबर में पूरी। मैंने आपको कई सारे वीडियो में बता रखा हूँ कि फाइबर की बॉडी मिलती है इसमें। और साइड का प्रोफाइल कुछ देखने के लिए मिल जाता, देख सकते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल। और यहाँ पे तीन लोगों की पासिंग है और यहाँ पे भाई ने अलग से सीट बनवा रखा है। अभी ये भी पूछेंगे कि कितने की सीट बनी है। और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी ट्रियो प्लस की बैजिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पीछे के प्रोफाइल की बात कर लिया दोस्तों, पीछे का प्रोफाइल देख सकते हैं, अभी कुछ प्यार से देखने के लिए मिल जाता आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही हल्का सा दिया गया है इसको, कंपनी की तरफ से थोड़ा और मजबूती देना चाहिए था। और यहाँ पे लाइट दिया गया है, यहाँ पे नंबर प्लेट, यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग दिया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर पट्टी देख सकते हैं और ऊपर अलग से लगवा रखे हैं भाई, वो भी मैं पूछूंगा अभी। और इधर भी ट्रियो प्लस की बैजिंग दी गई है और टायर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों 375 12 इंच के टायर मिल जाते हैं, देख सकते हैं। और इस प्रकार से कुछ साइड प्रोफाइल भी देखने के लिए मिल जाता है आपको, देख सकते हैं। और अभी हम भैया से जानेंगे कि गाड़ी का माइलेज कितना दे रही है। कंपनी तो बता रही है 150 किलोमीटर, अभी भैया से पूछते हैं। भैया आप ये बताइए ये गाड़ी कितना किलोमीटर चल जाती है? चार्जिंग में 110 किलोमीटर, एक बार चार्ज करने में 110। कंपनी तो 150 किलोमीटर का क्लेम बता रही है। कंपनी का बेचक है, कस्टमर का फंसावे है, तो बताइए। अच्छा अच्छा, तो अभी तक आप गाड़ी लिए हुए कितना दिन हो गया आपको? तीन महीना में कोई दिक्कत आई गाड़ी में? दिक्कत कोई नहीं है अभी तक चलाने में कोई दिक्कत? और इसका थोड़ा मीटर दिखाइए एक बार। अभी दोस्तों देख सकते हैं 8438 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और कुछ प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है आपको हैंडल। यहाँ पे ये क्या है, ये बाइक है, हाँ बाइक रिवर्स और न्यूट्रल है, तीन है। और यहाँ पे दो मोड मिल जाते हैं, इको मोड बूस्ट मोड है। और इधर कुछ भी नहीं है, ये हार्न है और इंडिकेटर और ये लाइट का है, हाँ अपर डिपर। और साइड का जो शीशा है दोस्तों इस पर, अच्छा ये साइड का शीशा जो निकला हुआ है इससे कोई दिक्कत होता है आपको? हाँ। और ये सीट आप कितने की लगवाए हैं? ये जो सीट लगवाए हैं, ये सीट जैसे हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो ये सीट अगर लगवाएं तो कितने का बढ़ जाता है? 5000 का ये सीट। और ये ऊपर का जो सीट ऊपर समेत, हाँ ये सभी समेत दोस्तों देख सकते हैं 5000 रुपया लगा है ये सीट, और उस साइड में लगा हुआ है और ये बनवाने में 5000। और तीन लोगों की पासिंग है। आप कितना लोग बैठा लेते हैं, अगर मिनिमम अगर बैठ जाएं तो कितना लोग तक बैठ जाते हैं इसमें? तीन तीन छः सात लोग।
सात लोग बैठ जाते हैं, सात आठ लोग आराम से बैठ जाते हैं, इसका मतलब कहना है ना। हाँ हाँ, तो देखते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। और आप कितने के लिए थे गाड़ी, कितने के लिए थे? 385। 385 की। और सरकार की तरफ से सब्सिडी मिली है? सब्सिडी तो कंपनी के पास वापस हो गया। हाँ, सब्सिडी जो मिलती है वो कंपनी की तरफ से, उसी में से कट करके दे देते हैं। तो आप किस्त करवाए थे? किस्त डाउन पेमेंट कितना जमा किए? डाउन पेमेंट 85। यानी 85,000 रुपये डाउन पेमेंट जमा किए हैं। और महीने किस्त कितनी आती है? महीने किस्त 11,771 रुपये महीने किस्त आती है। कितना महीना आपको भरना है? 36 महीना भरना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। और भी कुछ कहना चाहते हैं महिंद्रा कंपनी को? कुछ कहना चाहते हैं महिंद्रा कंपनी को, इसका रेंज सही है या कि और बढ़ाई जाए? रेंज कहाँ सही है, 150 के दावा करा था, 110 चला था, तो कहाँ सही है? अच्छा, इको मोड में जो है, अब जो अगर हाई में चला दिया जाए तो 200 के अंदर चली जाए। जी जी, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अब भाई अगर कह रहे हैं कि अगर हाई में चलाया जाए गाड़ी को तो 100 के अंदर ही एवरेज देगी, और अगर इको मोड में चलाते हैं तो 110 के एवरेज देती है लोडिंग पर। और कंपनी की तरफ से बताया गया था कि 150 किलोमीटर, तो इसके हिसाब से बहुत ही कम एवरेज दे रही है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हमारे पीछे देख रहे हैं सम्राट इलेक्ट्रिक ऑटो 7 सीटर, और इस वीडियो में मैं ओनर फीडबैक कराने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगा अगर भाई गाड़ी निकाले हैं, कितने की गाड़ी पड़ी है और कैसी गाड़ी चल रही है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, आगे का इसका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सस्पेंशन काफ़ी बेहतरीन है, डबल स्प्रिंग के साथ दिया गया है इसमें, देख सकते हैं। और ये आपको मेटल बॉडी मिल जाती है, पूरी इसकी मेटल बॉडी है। इसमें ऊपर की सॉफ्ट टॉप है, ऊपर का सॉफ्ट टॉप है, और इसमें 7 सीटर है दोस्तों। यहाँ पे एक गियर दिया गया है, अगर कहीं चढ़ाई पे अगर गाड़ी चढ़ती है तो टॉप गियर में गाड़ी अगर लगाते हैं तो बड़ी आसानी से चढ़ जाएगा। और इसमें दोस्तों 7 सीटर गाड़ी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी बैटरी है, और इसमें 5 बैटरी आती है, जो मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था। तो भैया आपको गाड़ी लिए कितना दिन हो गया? कितना दिन हुआ आपको गाड़ी लिए हुए? एक महीना हो गया। आपको एक महीने में इस गाड़ी में कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तक आप इस गाड़ी को चलाए हैं तो कितना किलोमीटर जाती है? 160 किलोमीटर। कंपनी कितना बताई थी आपको? 150 किलोमीटर बताई थी, यानी कि 10 किलोमीटर फादिल जा रही है। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें? और आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी थी? 4 लाख रुपये की। आप डाउन पेमेंट कितना जमा किए हैं? 76,000। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल कुछ इस प्रकार से दिया गया है, काफ़ी स्कूटर की तरह दिया गया है हैंडल इसका। और यहाँ पे मीटर कुछ इस प्रकार से दिखाता है आप लोगों को, देख सकते हैं। और ये इसका मतलब समझते हैं क्या है? लो गियर हाई गियर है ना। अगर आप चढ़ाई पर कहीं चढ़ाते हैं दोस्तों, तो अगर आपकी अगर काफ़ी ज़्यादा ऊँचा रास्ता है और नई गाड़ी चल रही है, तो इसको हाई गियर पर लगाएंगे तो गाड़ी आसानी से चढ़ जाती है। और यहाँ पे पीछे बैठने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है। आप इसमें कितना सवारी बैठा लेते हैं? 7 लोग आराम से बैठा लेते हैं, 7, क्योंकि 7 लोगों की पासिंग है दोस्तों। अगर चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा भी बैठा सकते हैं, लेकिन 7 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे पीछे का प्रोफाइल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ऊपर सॉफ्ट टॉप दिया गया है, और यहाँ पे स्टेपनी दी गई है, और ब्रेक लाइट और इंडिकेटर यहीं पे सभी दिया गया है। और ये पीछे का जो सपोर्ट दिया गया है काफ़ी बेहतरीन है, जो ठोस है, पीछे से अगर गाड़ी को हिट करती है तो गाड़ी के सेफ्टी के लिए। और पीछे के टायरों की बात कर लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 375 12 इंच के टायर दिए गए हैं दोस्तों, 76 भी, तो कुछ इस प्रकार से टायर दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। और नीचे का स्पेस दिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को, तो नीचे का स्पेस देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलाने के लिए। और इसकी मोटर दोस्तों काफ़ी हैवी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हैवी यहाँ पे मोटर लगी हुई है। और कमानी पट्टी देख सकते हैं यहाँ पे 6 कमानी पट्टी दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। और काफ़ी बेहतरीन नीचे का बैकग्राउंड जो है इसका,
दोस्तों साइड प्रोफाइल की बात कर लीजिए दोस्तों, साइड प्रोफाइल देखते हैं आप लोग, कुछ पास देखने की लगती है गाड़ी साइड से, और आगे से देख सकते हैं कुछ पास देखने की लगती है। और ये सिवान मोटर मैं यहाँ पे वीडियो बना के आया था दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं वहीं से लेके आए भाई। और इस साइड की प्रोफाइल की बात कर लीजिए दोस्तों, इस साइड की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है आप लोगों को। और ये अगर गाड़ी में फायर अगर आप वो लगती है तो उसके लिए लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल और मीडियम और रिवर्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसकी स्पीड जो है यहाँ पे आप बटन के द्वारा यहाँ चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट पे करेंगे तो स्लो चलेगी, और दो नंबर पे करेंगे तो मीडियम। कितना जाती है भैया अगर आप इसको मीडियम एक पे चलाएंगे तो कितने में चलती है? चलती है 20-25। 20-25 एक पे चलाएंगे तो 20-25 जाती है, अगर दो पे 40, दो पर 40 से जाती है दोस्तों, और थ्री पे कर देंगे तो 60, तीसरे नंबर पे डाल देंगे दोस्तों 60 तक जाती है। और ये इंडिकेटर है, यहाँ आप देखते हैं इंडिकेटर है, और ये लाइट का है, हेडलाइट का है दोस्तों, देख सकते हैं। तो भैया ये बताइए आप लोग, आप ये गाड़ी लिए हैं अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है ना? बिल्कुल, अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है गाड़ी में। और यहाँ पे सामान रखने के लिए दिया गया है, यहाँ पे साउंड दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। अभी तक आप कितना किलोमीटर चलाएँ गाड़ी, एक बार ऑन करिए मीटर, जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 1291 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी नई गाड़ी है दोस्तों। और आगे आप लोगों को अगर मिलेंगे भाई तो मैं बताऊँगा कि कैसी चल रही गाड़ी, अगर कोई दिक्कत आती है तो भी मैं वीडियो में बताता रहूँगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम। थोड़ा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। दोस्तों हमारे पीछे देख रहे हैं महिंद्रा की ट्रियो, इसका ओनर रिव्यू कराने वाला हूँ, कैसी चल रही गाड़ी महिंद्रा की ट्रियो। और अभी तो महिंद्रा ट्रियो प्लस आ चुकी है, तो मैं आपको सारी जानकारी आपको वीडियो में बताना चाहूँगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर लीजिएगा लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सामने का प्रोफाइल कुछ देख सकते हैं, कुछ पास देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को। अभी मैं भाई से आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और पूछूंगा इनसे कैसी गाड़ी चल रही कैसी नहीं चल रही है। तो सामने का लुक आप लोगों को वही पुराना वाला लुक है, देख सकते हैं यहाँ पे वाइपर और यहाँ पे इंडिकेटर, और यहाँ पे हाइलोजर में लाइट मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, नंबर प्लेट, और यहाँ पे जो भी बॉडी मिलती है आपको फाइबर मिल जाती है, मैंने आपको बता दिया हूँ, पहले ही बता रखा हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ। 12 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, 375 और 12 इंच के टायर मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और कुछ पास से साइड प्रोफाइल को देखने के लिए उस पास से मिल जाता है आप लोगों को, और ये साइड मिरर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ऊपर से। ये हार्ड वाली है, सॉफ्ट टॉप रहती है, तो उसमें सॉफ्ट टॉप नहीं है, हार्ड टॉप है ना भैया। तो भैया आप ये बताइए कितने की आप लिए थे गाड़ी? थोड़ा और तेज बोलिए, 4.5 लाख की पड़ी आपको है। तो आप ये गाड़ी लिए कितना दिन हो गया है? 6 महीना हो गया। 6 महीना हुआ है, 6 महीना में कोई गाड़ी में दिक्कत उक्कत आई है क्या? अभी कोई दिक्कत। और जो ये सीट बनवाए हैं अलग से बनवाए होंगे ना आप? ये सीट बनवाने का कितना खर्चा आया था? 2.5 से 3 हज़ार रुपया लगा है सीट बनवाने में। और कोई दिक्कत भी नहीं आई गाड़ी में अभी तक, सही चल रही है। और रेंज जो कंपनी बताती है, इसका कितना बताया था रेंज कंपनी तरफ से? 160 के। हाँ, स्पीड जो है टॉप स्पीड 60 तक जाती है, 55-60। और क्या नाम है, एका रेंज कई किलोमीटर चलता है? लोडिंग पर 120 किलोमीटर। लोडिंग पर 120 किलोमीटर चलती हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ का हैंडल बार कुछ इस पास देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और इस साइड की प्रोफाइल की बात कर लिया दोस्तों, इस साइड में कुछ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं ब्रेक मिल जाता है, वहाँ पे ऑयल मिल जाता है, ब्रेक ऑयल। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बट में कुछ यहाँ पे, और ब्रेक केवल एक ही है ना ब्रेक, और तो नहीं ब्रेक, ये केवल एक ही ब्रेक है। और यहाँ पे एक्सीलेटर है, जो अभी थोड़ा एक मीटर ऑन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मीटर कुछ पहले देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे अभी चार्ज तो फुल है ना, 69% कितना रहता है? 129 रहता है ना। तो कुछ पहले देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे महिंद्रा का बैजिंग देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे 3 लोगों की पासिंग है ना, 3 लोगों की पासिंग है। और इसमें आप कितना लोग बैठा लेते हैं?
सात आठ सवारी बैठ जाते हैं, मतलब तीन लोगों की पासिंग है आरटीओ की तरफ से। और पीछे का प्रोफाइल देख सकते हैं दोस्तों, इस बार देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा की बैजिंग, यहाँ पे नंबर प्लेट के ऊपर एक छोटा सा लाइट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ये सपोर्ट जो है बहुत ही हल्का है, इसको महिंद्रा को इस पर काम करना चाहिए, थोड़ा अच्छा सपोर्ट देना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा सामान वामान रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तो जगह है भी नहीं, थोड़ा बड़ा सामान रख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो करिएगा लाइक, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।